राम राम, जय छत्तीसगढ़। आप सबके मोर सत्से साक्षात्कार यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन हवय, स्वागत हवय। मैं जम्मो हमर साथी मल्ला, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया हमर दाई बहनी महतारी मल्ला, सबोला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। आज मैं अपन वादा के अनुरूप छत्तीसगढ़ के राजनीति और छत्तीसगढ़िया वाद के राजनीति आज छत्तीसगढ़ में कौन मैदान खड़े ओखर विशेषण लेके मैं आप सबके सामने आया हूं। और उम्मीद करता हूं कि आप ये मोर छत्तीसगढ़िया वाद और छत्तीसगढ़ी राजनीति के जिन विशेषण है इला पूरा अंत तक सुनो, आपसे निवेदन है, तब आप समझ में आई कि हमन कौन मेरे खड़े हैं। देखो ऐसे कि हर राज्य के अपन एक पहचान होते हैं, जैसे महाराष्ट्र के मराठी वाद, उड़ीसा के उड़िया वाद, आंध्र के तेलुगु वाद, उत्तर प्रदेश के यूपी वाद, बिहार के बिहारी वाद, बंगाल के बंगाली वाद। तो अगर वो माने में हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया वाद अगर हो थे या होना चाहिए तो मैं कोई गलत नहीं है और कुनोला गलत एला लेना भी नहीं चाहिए। मोर हमेशा कहना है, मैं हमेशा लिखित हूं कि हर जाति हर संप्रदाय के व्यक्ति जे छत्तीसगढ़ महतारी ले प्रेम करते, जे छत्तीसगढ़ के माटी ला अपन माटी मानते, जेन यहाँ के संस्कृति और सभ्यता ला अपनाए हवा है और जेन इला अपन दाई बहनी महतारी मानते, ते सब वो छत्तीसगढ़िया है, चाहे वो कौन हो है। वो चाहे 20 साल पहले आए हुआ है, चाहे 100 साल पहले आए हुआ है, चाहे 200 साल पहले आए हुआ है, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि आप हमारे छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ के माटी ले, यहाँ के संस्कृति और सभ्यता ले, यहाँ के तीज त्योहार ले माया करता कि नहीं, ओला अपनाता कि नहीं, ओला मानता कि नहीं, अतकेज बात है। तो ये तो हो गया हमारे संस्कृति और सभ्यता के अनुसरण करे वाले बात। अब हम देखता कि जैसे महाराष्ट्र में मराठी वाद चरम सीमा में चलते, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़िया वाद चरम सीमा में चलते का? नहीं चले। काबर अगर आप छत्तीसगढ़ के अध्ययन आप करो, आप ये छत्तीसगढ़ जो राज्य बने ओखर आप अध्ययन करो आप, तो एमा रायपुर की इलाका, बिलासपुर की इलाका, दुर्ग की इलाका, ओखर बाद जब आप उत्तर की ओर ऊपर बढ़ू छत्तीसगढ़ में तो कोरबा रायगढ़ एमा सब बसे बसे आदमी है। छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य अन्य प्रदेश से आके 50 साल 100 साल सैकड़ों साल से आके रच बस गए है। छत्तीसगढ़ महतारी अपन महतारी माना थे। ओखर बाद पूरा सरगुजा, अब सरगुजा में देखो आप, चाहे अंबिकापुर वाला मामला, अंबिकापुर वाला क्षेत्र हो, उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के मन पूरा रच बस गए है। आपके जो जसपुर वाला इलाका है वहां भी यही स्थिति है। आपकी जो कोरिया वाला इलाका है वो पूरा मध्य प्रदेश से लगे इलाका है। तो अगर आप गोरेला पेंड्रा के ओपार देखो आप पूरा आपके कोरिया तक, यदि आप रायगढ़ से लेके आप पूरा अंबिकापुर तक, रामानुजगंज तक, जसपुर पूरा झारखंड तक, तो आप ला पूरा लघु भारत दिखते, आपके सबो समाज के सबो जाति के आदमी दिखते। वही अगर आप दक्षिण कुती जाऊंगा तो धमतरी के बाद कांकेर से जन हमारा आदिवासी भाई बहनी मन है, चाहे वो हलबी बोला है, चाहे गुंडी बोला है, चाहे कोई भी उनका आदिवासी भाषा हो, उड़िया भाषा जैसे रायगढ़ की इलाका है, इतिबार महासमुंद के आप ओ पार जाओ सरायपाली बसना पिथौरा उड़िया भाषी मन प्रभावशील है, वो छत्तीसगढ़ में रज बस गए है। रायपुर शहर में पूरा रायपुर शहर में उड़िया भाषी आके बसे है। आपके बिलासपुर में मध्य प्रदेश के आदमी मन आके जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बसी से
भिलाई दुर्ग में, खासकर भिलाई में बिहार यूपी का अभिमान कहे के मतलब और ये है, दली राजहरा चूंकि प्लांट एरिया है, भिलाई भी एक प्लांट एरिया है, केंद्र के प्लांट है, बड़े बड़े खदान है, बड़े प्लांट है, वहां पूरा छत्तीसगढ़ के आदमी बना के बसे। तो आप अगर राजनीति देखो, आप छत्तीसगढ़िया राजनीति, तो छत्तीसगढ़िया राजनीति के विषय में अगर आप विश्लेषण करो तो आप पाहो कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया वाद ला लेके कि कौन जाति छत्तीसगढ़िया हवा है, कौन जाति छत्तीसगढ़िया नहीं है, अगर ये आधार पे आप अगर विश्लेषण करो तो वो आधार पे छत्तीसगढ़िया पार्टी एक भी नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे 70 के दशक में मराठी अस्मिता ला लेके अपन पार्टी बनाई सफल हुई। उड़ीसा में नवीन पटनायक जी जैन अभी 20-25 साल से मुख्यमंत्री होकर पिताजी क्षेत्रीय पार्टी बनाई उड़िया अस्मिता ला लेके सक्सेस हुई। आपके चंद्रशेखर राव जी तेलुगु तेलंगाना ला लेके क्षेत्रीय वार्ड ला लेके पार्टी बनी सफल हुई। लालू प्रसाद यादव जी बिहार बिहारी वादला लेके चली सफल हुई। ऐसे बहुत उदाहरण है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ए टाइप के कट्टर जिला कह सकते हम कट्टर, जैसे लालू यादव कट्टर राजनीति करीस, अब ओकर जन तरीका रिश्ते बदल के लालू यादव बिहारी वाद करत 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 जनता के नजर में वो एक प्रकार से हिंदू विरोधी पार्टी बन गए। अगर हम राज ठाकरे जी या उद्धव ठाकरे जी या चंद्रशेखर राव जी या नवीन पटनायक जी के जिन क्षेत्रीय वाद है ओला अगर हम छत्तीसगढ़ वाद से विश्लेषण करबो तो ऐसा पार्टी छत्तीसगढ़ में अभी तक नहीं बन पाए। आज भी छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन, नेता मन, किसान मन, मजदूर मन वो भाजपा और कांग्रेस में बटे हुए। तो का जैन कांग्रेस और भाजपा के बड़े बड़े नेता है जैन अपन आप ला कहते कि हम छत्तीसगढ़िया वाद के जनक हन या छत्तीसगढ़िया वाद के हम प्रेरक हन या छत्तीसगढ़ वाद हमन बढ़ाथन या लेके चलथन, काम मन कांग्रेस और भाजपा छोड़ के छत्तीसगढ़िया वाद के आधार पे कोई पार्टी बना सकते का, बना सकते का? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखो आप अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे या बाला साहब ठाकरे भाजपा और कांग्रेस में चल देती तो वहां पे मराठीवाद के राजनीति नहीं जन्म लेती। अगर बीजू पटनायक जी उड़ीसा में उड़ियावाद के अस्मिता के राजनीति लेके कांग्रेस से अलग होके अगर पार्टी अपन क्षेत्रीय पार्टी नहीं बनाती तो वहां भी कांग्रेस और भाजपा के राजनीति चलती, उड़ियावाद की राजनीति नहीं चलती। तो सबसे बड़े मुलाजन कारण समझ में आते, वो कारण ये है कि जब का हमार छत्तीसगढ़ ही समाज या हमन जैन हन या कोनो हुआ बड़े नेता हुआ जैन छत्तीसगढ़ अपन मान थे छत्तीसगढ़ के बड़े नेता है वो आज भी कांग्रेस और भाजपा में शामिल है। वो कोई अलग से क्षेत्रीय पार्टी जेमा वो कहा कि नहीं हम ही छत्तीसगढ़ियावादी पार्टी हन और कांग्रेस और भाजपा छत्तीसगढ़ियावादी पार्टी नहीं है, ऐसे कह के कोनो नेता कहत नहीं है और ना वो पार्टी बनावा थे। तो जब छत्तीसगढ़िया वाद के बड़े पार्टी नहीं बनी और बड़े बड़े नेता मन कांग्रेस और भाजपा में रही तो फिर ये वाद कैसे चली? और फिर गांव-गांव में आप देखो गांव-गांव में जब का बड़े नेता है गांव स्तर के तीन या तो कांग्रेस में या भाजपा में, वो तो कोई अलग से पार्टी बना के राजनीति करे नहीं, वो तो सीधा सीधा राष्ट्रीय पार्टी से जोड़े तो राष्ट्रीय पार्टी के भावना अपन अलग होते, वो राष्ट्र लेके चलते, वो हाँ कभी नहीं चाहे कि क्षेत्रीय अस्मिता के टकराव राष्ट्रीय जिन महत्व तो है वो खर से टकराव हो। तेन पाए के आप देखो आज छत्तीसगढ़ के भौगोलिक दृष्टि देखो आप तो बस्तर मा वत का छत्तीसगढ़ ही नहीं बोले जाए, आपके सरगुजा मा वत का छत्तीसगढ़ ही नहीं बोले जाए, आपके पूरा सरगुजा जेमा जसपुर और आपके अंबिकापुर और कोरिया ये सब उनका हाथों में, बस्तर में आप कांकेर को पार चल दो आप इतिबर ठीक से छत्तीसगढ़ी नहीं बोले जाए, आप इति महासमुंद को पार चल दो, तुम गांव को पार पिथौरा को पार चल दो तो ज्यादा तो उड़िया बोले जाते। तो कहा इस नाम ये जैन
क्षेत्रीयतावाद या छत्तीसगढ़ियावाद कतका सफल हुई आप बताओ मोला। और जब तक सबो पार्टी के नेता एक साथ नहीं आई तब तक क्षेत्रीयवाद छत्तीसगढ़ियावाद की राजनीति सफल कैसे हुई। तो अगर आप ये बात देखो आप कि दूसरा प्रदेश से जब हम तुलना करते तब हम लोग ये लगते कि हमारे यहाँ ऐसे कावर नहीं हुआ है कि जैन गांव के रहिया है गांव के मट्टी में पले बड़े हवा है जैन हमन बचपन से गांव में पैदा हुए गांव में पले बढ़े नागर जोते खातु पलायन धान बोएन तरिया में नहाएन हरेली तिहार मनाएन ठेठी कुर्मी खाएन गेड़ी चलाएन भौरा चलाएन मतलब तरह तरह के जैन हमन संस्कृति अपनाएं तेन हा काबर अलग क्षेत्रीय पार्टी बना के छत्तीसगढ़ के राजनीति में काबर नहीं आवा है अभी तक नहीं आए। उमल ये लगते जो मोला लगते कि छत्तीसगढ़ के अतका विविधता हुआ है छत्तीसगढ़ के ऐसे रूपरेखा बने छत्तीसगढ़ ऐसे ऐसे ढंग के छत्तीसगढ़ राज बने हैं कि जेमा ये सब भावना काम करेगा। अब फिर देखो जैसे बिहार में बिहारी मन महाराष्ट्र में मराठी मन तो बाल ठाकरे साहब जेना महाराष्ट्र में जैन क्षेत्रीयवाद के आंदोलन चले तो वो साउथ के राजनीति के प्रभुत्वता से नाराज रही से गुजरात के राजनीति जैन महाराष्ट्र में गुजराती मन करे थी ओखर से नाराज रही से तो लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति का है छत्तीसगढ़ में आदिवासी राजा है दो तीन राजा छोड़ देता चारों मूल आदिवासी राजा है तो मतलब आदिवासी मन राजा रही से आदिवासी मन दबे कुचले नहीं है वो तो राजा रही से मत राज करे वैसे आपके सतामी समाज में राजा है माल गुजारे अन्य समाज में तो कहे मतलब मोर ये कि हमर गांव देहात की मिट्टी में जब आदिवासी मन भी राजा रही से सतामी समाज भी राजा रही से आज आपके कुर्मी समाज बड़े बड़े गौटिया है बड़े बड़े जोतनदार है बड़े बड़े साहू समाज बड़े बड़े जोतनदार है तो ऐसी परिस्थिति में कौन कमजोर है कौन मजबूत है कैसे राजा के रहत कौन काखर शोषण करीस का। फिर आपने एक बात बता देता हूं मैं कोनो लग गाली देखे हमन आगू नहीं बढ़ सकन कोई भी हमर भाई तय कहे कि वो कैसे आगे बढ़ गए वो कैसे पैसा वाले बन गए वो कैसे बड़े आदमी बन गए अरे भाई कैसे रोक ले बेटा कोनो देश के संविधान है छत्तीसगढ़ के संविधान छत्तीसगढ़ के कानून है हमर से गलती का होते कि हमन अपन आप लागे नहीं बढ़ावन हमन अपन आप ल मजबूत नहीं करन हमन संगठन और एकता से आगे नहीं बढ़न और सबसे बड़ी बात यह है कि हमन अपन पूरा कमाई ला शराब और नशा में बर्बाद कर देते हैं। तो जब हमर दिमाग काम नहीं करी हमर शरीर काम नहीं करी हमर बुद्धि काम नहीं करी हम नशा में बर्बाद हो जब हो तो हमन कैसे ताकतवर बनबो कैसे बड़े आदमी बनबो। अब फिर हम दूसरा गाली बको तो दूसरा से गाली दे से आज तक दुनिया में कोई महान नहीं बने कोई बड़े नहीं बने। तो हमला अगर ये समझना पड़ी कि हम लगा आगे बढ़ना है तो हमला मजबूत होल पड़ी हमर गलत जिन आदत होला छोड़ेल पड़ी हमर एकता बढ़ाएल पड़ी संगठन ला बढ़ाएल पड़ी और जिन नेता बने वो अगर एक छत्तीसगढ़िया आंदोलन के तरह सब एक हो जाए तब एक उम्मीद मोला लगते कि तब उम्मीद जागी। तो कुल मिला के आज मोर जिन विश्लेषण है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियावाद के राजनीति में तो मोर विशेषण यही की थे कि छत्तीसगढ़ एक विविधता वाले राज्य एमा सबो जाति धर्म के जे छत्तीसगढ़ मारे थे छत्तीसगढ़ माया करते सबो छत्तीसगढ़ी आए बस ये कि वो यहाँ के तीज त्योहार ला माना यहाँ के संस्कृति सभ्यता ला अपनावा यहाँ के माटी के लेखा से माया करे ओकर शोषण मत करे ओकर अत्याचार मत करे ऐसा सबो आदमी छत्तीसगढ़ी आए। लेकिन अब बिहार और महाराष्ट्र उड़ीसा से हम अगर तुलना करबो तो वैसे परिस्थिति हमला यह नहीं लगाए। अंत में मत कह कही हूँ कि आओ हमन अपन राजनीतिक ताकत ला बढ़ावन छत्तीसगढ़िया समाज जेन अपन आप लोग गरीब समझते गांव देहात के समझते तेन सब एक हो संगठन ला एक कर रहे अपन ताकत ला दूसर ला गाली देना छोड़ा है। देखो ऐसे है कि जे लेकर पढ़ते तेने लेकर टॉप करते और जिन लेकर नहीं पढ़ा तेना फेल हो जाते और जब वो फेल होते तब वो की थे कि देखो पेपर हा गलत बने हैं या जचैया ठीक से नहीं जाचे। तो ये सब बात तरह तरह के हो सकते। अंत में मैं
ये छत्तीसगढ़ियावाद की राजनीति में। और आप बताऊ और वीडियो बनाऊ मैं कुछ अगर छूट गई था अंत में मैं छत्तीसगढ़ के महानपुर का परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ला मैं नमन करते हुए राजीव भक्ति दाई ला मैं नमन करता हूँ। मैं अपन आपके पंडित रविशंकर शुक्ला जी ला नमन करते हैं सब छत्तीसगढ़ के महान पुरख है। मैं गुंडाधूर जी जे हमारा आदिवासी ला बचे जंगल बचे ओला मैं नमन करता हूँ। मैं वीर नारायण सिंह जी ला नमन करता हूँ। मैं मिनी माता जी ला मैं नमन करता हूँ। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ला मैं नमन करता हूँ। मैं प्यारेलाल ठाकुर जी ला भी नमन करता हूँ। मैं पंडित श्यामाचंद शुक्ला जी जिन गाँव गाँव में नहर बने बांध बने ओला नमन करता हूँ। छत्तीसगढ़ के विकास आपके चाहे रेलवे स्टेशन हो चाहे एयरपोर्ट हो चाहे ट्रेन हो प्लेन हो बांध हो विद्यालय भी मैं नमन करता हूँ। मैं आपके रामचंद्र देशमुख जिन छत्तीसगढ़ के संस्कृति सभ्यता लग गाँव गाँव बग रही ओला मैं नमन करता हूँ। मैं जिन छुआछूत के भावना लग गाँव गाँव दूर करे के प्रयास करे यति यथन लाल जी ला मैं नमन करता हूँ। छेदी वरिष्ठ लाल जी ला मैं नमन करता हूँ। मैं जतका भी हमारे बस्तर के राजा प्रेमचंद भंजदेव जी जिन आदिवासी के लड़ाई पर लड़त अपन जान ला आहूत कर दी छत्तीसगढ़ ला ऐसे महान पुरखा ला मैं नमन करता हूँ। मैं जम्मू छत्तीसगढ़ के महान पुरखा मल्ला मैं नमन करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सकारात्मक ढंग से अच्छा ढंग से बिना कोनो गाली दे बिना कोनो ला मारे पीटे बिना कखरो संग वैमनस्य फैलाए हम छत्तीसगढ़ के राजनीति ला छत्तीसगढ़ या वाद के राजनीति ला आगू बढ़ाबो। और सब कोई जिन हमारे साथ अत्याचार अन्याय करते ओकर खिलाफ अनुशासनात्मक रूप से अहिंसात्मक रूप से विचारधारा के लड़ाई लड़बो तो जरूर हम सफल होबो। यही सब कामनाओं के साथ आप मोला कमेंट्स करके बताओ कि मैं सही बोले गलत बोले बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। मोर चैनल ला सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो। आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।